हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कई शो का प्रमोशन जो है लगातार एक ही स्टार करें तो उनके आने की खुशी एक अलग होती है, और ऐसे में गुम है किसी के प्यार का प्रमोशन लगातार रेखा जी करती आई हैं, जो बॉलीवुड की सुपरस्टारों में गिनी जाती हैं। ऐसे में रेखा जी के दिल के करीब रहा है ये शो। उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में या फिर सोशल मीडिया में इस तरह की न्यूज़ सामने आई है। ऐसे में जो है गुम है किसी के प्यार में जब सेकंड जनरेशन चेंज हुई थी, जहाँ पे जो है शक्ति अरोड़ा शो से बाहर हुए थे, तब खबर आई थी कि रेखा जी ने प्रोमो शूट किया है नए सितारों के साथ, इंट्रोड्यूस कराएंगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा या फिर नहीं सुना होगा। ये रेखा जी ने इससे पहले भी जो है आपके प्यारे गुम है किसी के प्यार में फर्स्ट जनरेशन हो या सेकंड जनरेशन हो, उनको इंट्रोड्यूस कराया ही है। तो ऐसे में ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी कि प्रोमो शूट हो गया है, जल्दी देंगे, लेकिन इस तरह का प्रोमो अभी तक कोई सामने नहीं आया है और कहानी काफ़ी आगे तक बढ़ गई है। अब कहानी शादी ट्रैक पर चल रही है, और शादी ट्रैक में जो है खबर आ रही है कि रेखा जी जो हैं अपने प्यारे जो है स्टारों को प्रमोशन, या कहें कि शो को प्रमोशन करने आ रही है। ऐसे में फैंस ने कहा, दूसरी शादी में इतना तामझाम? अरे बस, ये सब वजह है टीआरपी। यही बात ख़त्म नहीं होती है, बात आती है कि भाई शादी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? म्यूज़िक होता है। ऐसे में सिंगर शान जी भी जो हैं आपको नज़र आने वाले हैं, ऐसे में जो है अपने गानों का तड़का लगाएंगे और जो है चार चांद जो है शो में लग जाएंगे। में भी टीआरपी बढ़ जाए, लेकिन रेखा जी के आने से टीआरपी जो है 100% बढ़ती नज़र आई है इस शो में। उम्मीद इस बार भी है कि जब रेखा जी आ रही है तो पक्का जो है उनके डायलॉग, उनका शो में जो रिएक्शन, ये सब नज़र आएगा। क्योंकि जब फैंस कह रहे हैं यार कहानी तो बिल्कुल ये है मोहब्बत है जैसी है, तो पता ही है कौन किससे प्यार करेगा, कौन ट्रायंगल लव में खड़ा हो जाएगा, सब तो पता ही है। अब हो सकता है मेकर शायद स्टोरी चेंज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद शायद ये स्टोरी चेंज करेंगे, ये खबर भी काफ़ी वायरल हो रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुम है किसी के प्यार में जब सेकंड पीढ़ी को दिखाया गया था तो शौर्य और अनोखी की पॉपुलर स्टोरी को उठाया गया था। ऐसे में फैंस ने कहा था ये तो शौर्य और अनोखी की कहानी है, सेम टू सेम यार। तो ऐसे में जैसे ही आपके शक्ति अरोड़ा यानी कि ईशान और सावी की शादी हुई थी, तुरंत इन्होंने कहानी बदल दी थी। तो वैसा ही बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो नई कहानी रची है इन्होंने, यह है मोहब्बतें की, बस यही तक थी, उसके बाद जो है नई कहानी देखने को मिलने वाली है, इसलिए रेखा जी प्रमोशन के लिए आ रही हैं। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई ही टीआरपी बढ़ेगी, और वाकई ही क्या रजत और सावी की कहानी फैंस के दिल तक अपनी छवि बना पाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।